आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी का पराठा। आपको ना उसमें कोई स्टफिंग करनी है। ये पराठा बड़ी ही आसानी से बन जाता है मिनटों में। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। 1 कप नॉर्मल वाला आटा लिया है मैंने यहाँ पे, 1 कप पत्ता गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक काटा है, हरी मिर्च, अब डाले काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच तेल, नमक, अब सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत सारा पानी होता है, तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और थोड़ा आटा टाइट गूंथें। अब ये अपना आटा तैयार है। अब थोड़ा सा तेल डाल के आटा 1 मिनट के लिए गूंथ ले। अब इसके छोटे छोटे गोले बना के तैयार कर लें। आप देख सकते हैं आटा अभी थोड़ा नरम हो गया है। याद रखें इसका आटा हमें टाइट चाहिए, वो अपने आप नरम हो जाता है। अब इस एक लोई लेके पराठा बेल लें। मैंने यहाँ पे पराठा गोल शेप में बेला है, आप चाहे तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ये भी अपना पराठा बेल के तैयार है। एक तवा गरम करने के लिए रखें। अभी पराठे को दोनों साइड से बारी बारी सेक लें। अभी थोड़ा सा तेल डालें और दोनों तरफ अच्छे से सेक लें। अभी हमारा पराठा सेक के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं अपने पराठे कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और ये ठंडा भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको अचार, रायता, दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अचार और आलू की सब्जी के साथ सर्व किया है। आप मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।